5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सबके मन में एक सवाल उठ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 में बाजी कौन मारेगा, एनडीए या इंडिया अलायंस में से किसकी सरकार बनेगी, आखिर धरातल पर माहौल क्या है, जमीन पर किसकी पकड़ कितनी मजबूत है, वो कौन से मुद्दे हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़े होने वाले हैं। एबीपी सी वोटर के सर्वे में जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है। 41% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है, जबकि 28% लोगों की नजर में राम मंदिर इफेक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे जातीय जनगणना के मुद्दे को महज 10% लोगों ने पसंद किया है। सर्वे से साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराने नेताओं को हटाकर नए चेहरे को राज्य की कमान सौंपने का फैसला बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। 5 राज्यों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी 4 राज्यों में जबरदस्त बहुमत हासिल करती दिख रही है। मध्य प्रदेश के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 58% तक वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 36% वोट आ सकते हैं। वहीं अन्य उम्मीदवारों को 6% वोट मिल सकते हैं। अगर इन आंकड़ों को सीट में परिवर्तित करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती नजर आती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 27 से 29 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट आने का अनुमान नहीं है। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जादू चलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर सर्वे में बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी को 57% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा 34% वोट पर थम सकता है। वहीं अन्य के खाते में 9% वोट आ सकते हैं, यानी वोट प्रतिशत के मोर्चे पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का आंकड़ा और कम हो सकता है। अब देखिए, अगर वोट प्रतिशत को सीट पर काउंट करें तो क्या तस्वीर बनती है। बीजेपी को 23 से 25 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने की संभावना है। मतलब विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने कांग्रेस के लिए फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 55% वोट मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस के खाते में 37% वोट जाते दिख रहे हैं। अन्य के खाते में 8% वोट जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट है, इनमें से अधिकतर पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 9 से 11 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सीटों का आंकड़ा 0 से 2 के बीच सिमट सकता है। दूसरे लफ्जों में कहें तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़े बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं, जबकि कांग्रेस को सावधान करने वाले हैं, क्योंकि सी वोटर ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की जनता का जनादेश किसके साथ है।